चरण के लिए जोरों पर प्रचार अभियान आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ चार रैलियां हिमाचल के मंडी और हमीरपुर में करेंगे जनसभा पंजाब के लुधियाना और आनंदपुर साहिब में करेंगे रैली सीएम की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं तो बता दें कि 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है और उससे पहले प्रचार अभियान जोरों पर है आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ चार रैलियां हैं और हिमाचल के मंडी और हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे साथ ही पंजाब के लुधियाना और आनंदपुर साहिब में भी रैली करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सीएम की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकसभा चुनाव को देखते हुए अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार में चार रैलियां और बता दें कि हिमाचल और पंजाब में दो दो रैलियां आज आयोजित की गई हैं। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शुभम, 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव होना है, उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज उनके दो जगह के कार्यक्रम हैं, एक हिमाचल और दूसरा पंजाब। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की वजह से सातवां चरण का जो मतदान होना है, अंतिम चरण है और इसके बाद लोकसभा चुनाव कि जो अंतिम चरण का मतदान होना है 1 तारीख को, उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इससे ठीक पहले प्रचार का अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूरे देश में है। आप समझिए, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हुई हैं। लिहाजा अंतिम चरण में भी हिमाचल और पंजाब में आज दो दो जनसभाएं हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जनता से संवाद करेंगे। क्या कुछ केंद्र की सरकार के द्वारा बीते 10 सालों में किया गया, किन मुद्दों के सहारे तमाम चीजों को बेहतर तरीके से करने का काम किया गया, इन मुद्दों को रखने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। और इसी कड़ी में हिमाचल और पंजाब में दो जगहों पर, दो दो अलग अलग जगहों पर ये जनसभाएं हैं। चार बड़े कार्यक्रम हैं ये, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप समझिए कि हिमाचल में और पंजाब में जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से मुखर होकर के बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो चाहे हिंदुत्व की बात हो, चाहे तमाम ऐसे एजेंडे रहे हों, मुख्य तौर पर उन मुद्दों पर हमेशा से मुखर होकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि तमाम राज्यों की तरफ से उनके कार्यक्रमों को लेकर के डिमांड काफी ज्यादा दिखती है। और इसी वजह से अंतिम चरण है लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज भी वो हिमाचल और पंजाब में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर रहे हैं बीजेपी की लिस्ट में हमेशा से, और जाहिर है कि उनका बड़ा प्रभाव ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तो मुखिया वो है, बल्कि जनता उनके भाषणों को सुनना भी पसंद करती है। उनकी रैली में जो भीड़ पहुंचती है उससे ही समझ में आता है कि लोगों का जो क्रेज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए वो कितना है, और बीजेपी भी इसे भुनाना अच्छी तरीके से जानती है। निश्चित तौर पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग है जो उनको हर तरीके से पसंद करती है और सुनना चाहती है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा वो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर उनको सुनने वालों की भीड़ हमेशा दिखती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम सबसे ज्यादा उनके क्षेत्र में लगाए जाने की बात लगातार शीर्ष नेतृत्व से की जाती है। यही वजह है कि सातवां जब चरण है, अंतिम चरण है, और इस चरण में भी अलग अलग गांव पर उनकी ये जनसभाएं आज होनी है, और स्टार प्रचारकों में हमेशा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जब थे और उसके पहले भी, और अपने भाषणों को लेकर के हमेशा से वो चर्चा का विषय भी रहते हैं क्योंकि वो हर मुद्दे को अपनी तरीके से जनता के बीच में रखना चाहते हैं। और उसके अलावा जो केंद्र की मोदी सरकार है उसके द्वारा जो 3 तलाक, 370 तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जिस पर केंद्र की मोदी सरकार ने मुखर होकर के काम किया है, इन तमाम मुद्दों पर वो जनता से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं आपके संवाद स्थापित करते हैं, और इस संवाद इतना ज्यादा स्पष्ट होता है कि जनता को साफ संदेश जाता है और जिससे कि जनता सीधा जुड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को पूरी तरह से अपने पक्ष में मोड़ने के प्रयास में रहती है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी स्पष्टवादिता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है लंबे समय से, और इसी तरह से पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक तमाम उनके बड़े और अहम कार्यक्रम जनता के बीच में लगाए जाते हैं। बिल्कुल शुभम, आप क्योंकि देखिए हिमाचल भी जाएंगे और पंजाब भी जाएंगे, तो हिमाचल और पंजाब दोनों ही जगह की अगर हम बात करें तो उनके साथ में क्या मंच पर कुछ बड़े चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं प्रदेश स्तर के? निश्चित तौर
निश्चित तौर पर बड़े चेहरे इन कार्यक्रमों में नजर आएंगे। बात करें अगर हिमाचल की तो हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी उस दौरान मौजूद रहेंगे। पंजाब में भी इसी तरह तमाम पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं वो भी दूर दराज से वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये अंतिम चरण है, अंतिम जो है कह सकते हैं आपके लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का ये जो चरण है। अब इसके बाद तारीख उस दिन की आएगी जब मतगणना होगी, तो लिहाजा इस पूरे चरण में ताकत झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यही वजह है कि पंजाब और हिमाचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतिम दिन भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान तमाम